आज हम जानते हैं 864 सिस्टम क्या होता है। जब भी कोई प्रोसेस, सिस्टम, टूल्स होते हैं तो हमें इसका फायदा होता है जल्द से जल्द अपने गोल की तरफ कैसे पहुंचे। इसीलिए हमारा एटमी का एक यूनिक सिस्टम है 864 सिस्टम। आइए अब हम जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले है एट मतलब 8 स्टेप्स टू सक्सेस। दूसरा है 6 यानी 6 कोर एक्शंस। और लास्ट का है 4 यानी 4 बिजनेस वैल्यूज। इसीलिए हमने इस सिस्टम का नाम दिया है 864। सबसे पहले देखते हैं 8 स्टेप्स टू सक्सेस। 8 स्टेप टू सक्सेस एटमी मेंबर्स के लिए नया नहीं है। और अभी अभी हमने देखा है मिस्टर हनगिल पार्क, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने 8 स्टेप्स टू सक्सेस के बारे में डिटेल्ड में बताया। लेकिन क्विकली हम इस सिस्टम को जानते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहला है सेट गोल्स। गोल्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो जब भी हम बिजनेस करते हैं तब हमें दोनों गोल्स हमारे सेट करने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल क्या है मेरा और लॉन्ग टर्म गोल क्या है मेरा। दोनों का सिस्टम, दोनों के टूल्स डिफरेंट होते हैं। और इसके बारे में अभी हम हमारे लाइफ सिनेरियो सेशन के टाइम में मिस्टर अब्राहम जी से जानेंगे। दूसरा है टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। जब भी हम 8 स्टेप्स टू सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टॉक अबाउट प्रोडक्ट। हमारी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यदि हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे तो ये अनफेयर होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें। और हमारे जो प्रोडक्ट है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट एब्सोल्यूट प्राइस है। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताएं। उसके बाद में हमें लिस्ट मेकिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि हम लिस्ट बनाएंगे नहीं तो हमें कुछ दिन के बाद याद नहीं रहेगा हमने किससे कॉन्टैक्ट किया, किसके कॉन्टैक्ट नहीं किया। यदि मैं आपको पूछूं कि कल आपने डिनर में क्या खाया था या कल आपने लंच में कौन सी सब्जी खाई थी तो आपको याद नहीं रहेगा। तो यदि हम 15 दिन या 1 महीने के बाद में सोचेंगे कि हमने इनसे कॉल किया था या नहीं किया था तो ये याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले लिस्ट मेकिंग करनी बहुत ज़्यादा जरूरी। लिस्ट मेकिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेक फोन कॉल्स। जो भी लिस्ट हमने बनाई है उसको एक एक करके हमें फोन कॉल करने चाहिए और फोन कॉल करके हमें डिस्क्राइब करना है प्रोडक्ट के बारे में या फिर सिर्फ कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस को एक्सप्लेन करना। जब हमारा प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो जाएगा, कंपनी एक्सप्लेन हो जाएगी, तब जाके हम बिजनेस के बारे में लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद आता है फॉलोअप स्टेप, जो मिस्टर हनगिल पार्क जी ने अपने वीडियो में भी बताया था कि फॉलोअप कितना जरूरी है। यदि हम फॉलोअप नहीं करते हैं तो कुछ दिन में वो भूल जाते हैं। इसलिए इमीडिएट फॉलोअप बहुत ज़्यादा जरूरी है और कॉन्स्टेंट फॉलोअप करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद का स्टेप है काउंसलिंग। काउंसलिंग फॉलोअप के बाद काउंसलिंग करने से ही डिपेंड होता है कि आपके साथ वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो काउंसलिंग यह हमारा 7वां स्टेप है। हनगिल पार्क सर ने हमें लास्ट स्टेप बताई थी जो कि इन सब स्टेप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बिजनेस को आगे तक लेके जाएगी, वो है डुप्लीकेशन। जब तक ये 7ों स्टेप को हम कंटिन्यूसली डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो हमारा जो गिगांटिक सक्सेस क्या होता है, गिगांटिक सक्सेस होता है कि अनलिमिटेड सक्सेस कैसे हम अचीव कर सकते हैं, वो हम विदाउट 8 स्टेप दैट इज डुप्लीकेशन के बिना हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मिस्टर हनगिल पार्क सर का वीडियो नहीं देखा है
तो फिर से एक बार जाके पूरा डिटेल में 8 Steps to Success के बारे में जानिए और उनको अपने जीवन में अमल कीजिए। इसके बाद आता है हमारा 864 में से 6, दैट इज 6 कोर एक्शंस। उसमें से पहला एक्शन है 100% प्रोडक्ट यूज। आप देखिए, यदि मैं एज ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानूंगा या मैं अपने प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करूंगा, तो मैं दूसरों को प्रेरित कैसे करूंगा प्रोडक्ट यूज करने के लिए। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना इज मस्ट, कंपल्सरी। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हुए हैं, एटलीस्ट उतने प्रोडक्ट एक बार तो भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ कंज्यूमर आपको यूज करने चाहिए। और जब आप यूज करोगे तभी जानोगे एब्सोल्यूट क्वालिटी के बारे में जो बात कर रही है कंपनी, वो एब्सोल्यूट क्वालिटी क्या होती है। और मैं एग्जांपल देता हूं, प्रोपोलिस पेस्ट एक बार कोई यूज करता है तो दूसरा टूथपेस्ट कभी भी कोई यूज नहीं करेगा, राइट? लेकिन इस ये करने के लिए यदि मुझे यह किसी को बताना है, उसको बताने के लिए मेरे पास जो वर्ड्स होने चाहिए वो तभी आएंगे जब मैं उस प्रोडक्ट को यूज करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी मेंबर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर से, लीडर से, कि 100% कंपनी के प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर आपको यूज करने हैं सबसे पहले। दूसरा इंपॉर्टेंट कोर एक्शन है अटेंड कंपनी सेमिनार विथ योर टीम एंड गेस्ट। जब भी कंपनी का सेमिनार होता है, जैसे कि वन डे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, जूम मीटिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, इसको अभी आपके सभी टीम मेंबर के साथ या फिर गेस्ट के साथ इन सेमिनार्स को देखिए। ये सेमिनार जब आप देखोगे तभी जाके कंपनी के प्रति, कंपनी के सिस्टम के प्रति सबके पास अवेयरनेस आ जाएगी। तो अपने अपने प्रोग्राम तो आप करते ही हो आपका बिजनेस प्रमोट करने के लिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि कंपनी के प्रोग्राम को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सभी गेस्ट के साथ, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स के साथ या फिर आपके टीम के साथ। मेरी और एक रिक्वेस्ट है सभी से, और यही हमारी थर्ड कोर एक्शन है, कि कंपनी के जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहती है उस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को हमेशा खुद को अपडेट करें। हम ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे SNS प्लेटफॉर्म, दैट इज सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर अपडेट करते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब के ऊपर हम इन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताते रहते हैं। इसका ये फायदा होगा कि ये जब भी हम लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे तो आप अपने टीम को लेटेस्ट अपडेट के बारे में बता सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेटेस्ट अपडेट यदि एज अ लीडर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यदि हमें नहीं पता होगी तो हम हमारे टीम को सही चीज़ें नहीं बता पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमेशा लेटेस्ट अपडेट जानिए और अपने टीम को भी सर्कुलेट कीजिए। फोर्थ इम्पोर्टेंट कोर एक्शन है एटलीस्ट एक बिजनेस प्रेजेंटेशन डेली किसी न किसी को देना चाहिए। इससे आपका बिजनेस ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और आपको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पता है, राइट? यदि आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन आज देते हो और उससे एक और डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ता है और कल जाके दो डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसे करके नेक्स्ट डे में 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, ऐसे करके ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये नंबर काफ़ी बढ़ जाएगा यदि हम एटलीस्ट 1 बिजनेस प्रेजेंटेशन एक दिन में देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, लीडर से, हमारे मेंबर से कम एक बिजनेस प्रेजेंटेशन हर दिन देना अनिवार्य है। हमारी नेक्स्ट कोर एक्शन है एटलीस्ट 2 कंज्यूमर को डेली बेसिस पे फाइंड करना। हमारा जो बिजनेस है
वो सारा बिजनेस चलता है कंज्यूमर बेस के ऊपर। यदि मेरे पास कंज्यूमर्स नहीं है तो हमारी जो अचीवमेंट है, जैसे कि सेल्स मास्टर या डायमंड मास्टर, ये हम कंटिन्यूअस बेसिस पे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कंज्यूमर फाइंड आउट करना ज्यादा जरूरी है। तो सबका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं डेली 2 नए कंज्यूमर्स ऐड करूंगा। जब मैं 2 नए कंज्यूमर्स ऐड करूंगा तो जैसे कि लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बारे में पहले बताया है, उसी हिसाब से हमारा कंज्यूमर बेस भी डेली बढ़ता रहेगा। और इसके वजह से जो सेल्स मास्टर नहीं है वो सेल्स मास्टर बन सकते हैं, जो सेल्स मास्टर है वो ऑटो सेल्स मास्टर बन सकते हैं, जो ऑटो सेल्स मास्टर है वो डायमंड मास्टर बन सकते हैं, और ये चलता रहेगा। तो बिजनेस में यदि हमें ऊपर जाना है तो हमें कंज्यूमर बेस करना इम्पोर्टेंट है। यदि हम कंज्यूमर बेस नहीं बनाएंगे तो एक बार तो अचीवमेंट आ जाएगी लेकिन वो सस्टेन नहीं रहेगी, और फिर हम सिस्टम को दोष देना चालू करेंगे। इससे बेटर है कि हम फाइंड आउट करें कि मेरा कंज्यूमर बेस, और वो करने के लिए हमें डेली कम से कम 2 कंज्यूमर नए ऐड करने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक नॉलेज नहीं आता है तब तक हम हमारे लाइफ में इंप्रूव नहीं हो सकते। और नॉलेज ऐसा एक टूल है कि जो इनकम को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। तो ऐसा कहा गया है कि यदि आप नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो इनकम है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। जैसे कि कल ही एग्जांपल दिया था मिस्टर मुकेश जी ने, राइट, कि वो महीने में 8,000 रुपया कमाते थे, राइट, और बाद में जब उन्होंने एमबीए किया तो वो दिन में 8,000 कमाने लग गए। तो एमबीए में कितने दिन इन्वेस्ट किए उन्होंने? 2 साल। लेकिन उस 2 साल से उनका जो अर्निंग है वो करीबन 30 times बढ़ गई। 30 times इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया होगा एजुकेशन में, लेकिन एजुकेशन में जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे उससे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 minutes हमारे नॉलेज बढ़ाने के ऊपर हमें स्पेंड करना चाहिए। नॉलेज हम 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो बुक्स पढ़ के, या फिर हम YouTube पे जो वीडियोस होते हैं वो देख के भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो मेरी सभी कंज्यूमर से, लीडर से, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 30 minutes आप स्पेंड कीजिए रिकमेंडेड बुक्स या रिकमेंडेड वीडियोस के ऊपर और खुद का नॉलेज बढ़ाइए। 864 सिस्टम में 4 है 4 बिजनेस वैल्यूज, और अब जानते हैं हम ये 4 बिजनेस वैल्यूज क्या है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने कंपनी के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में या अपने डाउनलाइन के बारे में कभी भी गलत बात नहीं बात करनी है किसी के सामने भी। अपलाइन के बारे में निगेटिव बात डाउनलाइन के पास, या डाउनलाइन के पास अपलाइन के बारे में, या फिर कंपनी के बारे में ऐसी निगेटिव चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, और पॉजिटिविटी जब क्रिएट हो जाती है तो एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है और सारी कायनात फिर आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी किसी के बारे में निगेटिव बात नहीं करनी है अपलाइन, डाउनलाइन या फिर कंपनी के बारे में। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेवर प्ले विथ पीपल्स ईगो एंड मनी, यानी कि कभी भी लोगों के ईगो के ऊपर या लोगों के पैसे के साथ खेलना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो हमारा जो बिजनेस है वो सस्टेन होने में हेल्प नहीं होती है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको एज अ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वैल्यू के तरह आप देखिए, और
कभी भी ईगो और मनी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तीसरी बिजनेस वैल्यू है कम्युनिकेशन विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन रेगुलरली, यानी कि हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये काफी देखा गया है कि अपलाइन ने डाउनलाइन का नंबर ब्लॉक किया है, डाउनलाइन ने अपलाइन का नंबर ब्लॉक किया है। यदि हम इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके के से देखते हैं तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें और इससे आपको आपका बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प होगी। फोर्थ बिजनेस वैल्यू है, जब भी आप कुछ नई चीज़ करते हो तो हमेशा अपलाइन या कंपनी से कंसल्ट करना चाहिए। इसका एक फायदा है कि जब भी आप कंसल्ट करते हो तो अपलाइन या कंपनी के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस टाइप की एक्टिविटी जब भी किसी ने की थी तो उनको फायदा हुआ था या नहीं हुआ था। तो जब भी आप नई चीज़ करते हो तो पहले आप अपलाइन से बात करोगे या कंपनी से बात करोगे तो आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा और इसके वजह से आप जो टाइम स्पेंड करना चाहते थे उस एक्टिविटी के लिए या फिर आप जो मनी स्पेंड करना चाहते थे उस एक्टिविटी के लिए वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा या तो सेम हो जाएगा। जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले कंसल्ट कीजिए आपके अपलाइन से या फिर कंपनी से। ये 864 सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरी रिक्वेस्ट है ये सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन मत रखिए, ये इंफॉर्मेशन आप अपने टीम से, अपने पर्सपेक्टिव कंज्यूमर से या फिर अपने डाउनलाइन से शेयर कीजिए ताकि जब एक साथ पूरा सिस्टम इस चीज़ के ऊपर लग जाएगा तो जो सक्सेस है वो अचीव करना बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे कि लिखा हुआ है गिगांटिक सक्सेस, तो गिगांटिक सक्सेस जल्द से जल्द आप अचीव कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।